आसाराम नाबालिग यौन शोषण केस में जोधपुर की विशेष अदालत के जज मधुसूदन शर्मा ने आज आसाराम सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया है। 4.5 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की पीड़िता को न्याय मिल ही गया। आसाराम को दोषी साबित होने के बाद नाबालिग पीड़िता के पिता का पहला रिएक्शन क्या रहा, आप भी सुनिए। सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, वो मेरे साथ खड़े रहे अंत तक मेरी लड़ाई में। धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ, धन्यवाद करता हूँ अपने मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई, थोड़ा सीधे हो जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद है? उम्मीद है फैसला आ गया हमारे पक्ष में, सुना है कोर्ट आ गया ठीक। जिसकी उम्मीद किए थे वो न्याय मिला आपको? मुझे न्याय कोर्ट ने दिया है, अभी फैसला आया हमारे पक्ष में हुआ। इधर घूम जाइए, इधर इधर इधर, ये फोन नीचे करिए ना। जो 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 अपेक्षा थी वो आपकी पूरी हुई? अपेक्षा तो अभी अभी सामने से चेहरा लेना भैया, बोलने दो। ये बताइए दोषी करार है, दोषी करार दिया है, सजा नहीं सुनाई है। आपको लगता है कि अब न्याय मिला है आपको? मेरे को न्याय मिलेगा, इसको जो गवाह मारे गए हैं उनके लिए क्या करना है? सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और भी गवाहों को मारा है, मरवा है, दो दिन का वर्ण करके लाख कर दिया है, सब को न्याय मिलेगा। अरे बिल्कुल मुंह पे मोबाइल लगा, आईडी थोड़ा नीचे रखो भाई। भाई साहब इतनी यात्रा में आपको काफी कठिनाई हुई, कई बार धमकी भी दी, कैसे क्या ये आप यहाँ तक बढ़े हैं? आप सब लोग गवाह हैं इसके, तो आपको क्या क्या हमने जिस तरह का फैसला है उससे ये बताइए, जिस तरह का फैसला है क्या उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है आप फैसले से? फैसले से पूरी तरह से मुझे उम्मीद है उसे कड़ी से किसी तरह का भय। हम घर से अपने बाहर निकले नहीं है, पुलिस का सख्त कह रहा है केवल अभी बाहर आएगा। इधर आपके सहयोगियों का साथियों का कितना साथ रहा इसमें? मोबाइल आप